आप में से कितने लोग तैयारी, आप में से चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए पहला, तो जितने लोगों ने भी ज्वाइन किया है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर ज्वाइनिंग दिस क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम? प्लीज टाइप आई, जो पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। ये काफी लंबा क्लास होने वाला है, हाँ, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। आई एम योर ओल्ड स्टूडेंट पवेट, आई नो सुखमनी कौर। चलिए, जितने लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, ताहा महेश, पहली बार देखा इन स्टूडेंट्स को मैंने, जैश्नवी को खास करके, समीर कपूर, ताहा, मोहित, ये सब लोग नए स्टूडेंट्स हैं। सो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल। ऊपर टेलीग्राम का मैंने चैनल का लिंक दे रखा है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? प्लीज डू ज्वाइन दैट, दैट विल हेल्प यू। आई विल गिव माई इंट्रोडक्शन लेट इन द लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर। अभी हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? सो द क्लास इज अबाउट वेन टू ज्वाइन द टेस्ट सीरीज। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस क्लास, मेरे कुछ सवाल है आप लोगों से जो मैं पूछना चाहता हूँ। कितने लोगों को यूपीएससी की प्रेपरेशन में स्ट्रेस लेवल सब बढ़ जाता है? मतलब यार, कल पढ़े थे, ठीक है, कल पढ़ाई किया था सही ढंग से, पर आज नहीं हो पा रहा है। मतलब आज यू आर टुडे यू आर नॉट एबल टू स्टडी। कल आपने सही ढंग से पढ़ाई करी थी, बट आज आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। इस तरह के कितने लोग हैं? कभी कभी सर होता है। या ये वाली फीलिंग यार बहुत लोगों को आती है, पता है आपको, कि कल हम बहुत सही तरीके से पढ़ लिए थे, ठीक है ना, आज हम सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहता है। हाँ, तो इस प्रॉब्लम की इस दिक्कत को किस तरह से दूर करें, ये भी समझना बहुत जरूरी है। ये प्रॉब्लम को कल पढ़े थे, आज नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है? हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम? क्या हर रोज मोटिवेशन चाहिए होती है? हर रोज मोटिवेशन चाहिए रहती है ना, एवरी डे यू नीड सम काइंड ऑफ मोटिवेशन। हाँ, कोई जो आपको बेसिकली क्या करे, पुश करे, जो आपको पुश करे कि भैया पढ़ लो, पुश करे, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो आपकी प्रिपरेशन को बिल्कुल चेंज करके रख देगी, ठीक है? उससे पहले मैं कुछ ना बात करना चाहता हूं और चीजों की, और एग्जाम्स की बात करना चाहता हूं। देखिए, आप सब लोगों ने कॉलेज तो पास कर लिया होगा, मुझे लग रहा है मैक्सिमम लोगों ने, ठीक है? अरफशा, वेलकम टू द क्लास। कॉलेज बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा थर्ड ईयर में। वनीत कह रहे मैंने तो नहीं करा भैया, निखिल कहता मैंने भी नहीं करा है। तो मान लेते हैं कि 80% लोगों ने, 70% लोगों ने कॉलेज कंप्लीट कर लिया, कॉलेज में ही है। यार जब आप कॉलेज में, क्या कॉलेज के सिलेबस ने कभी आपको परेशान किया है? बताओ मुझे, ऑनेस्टली बताना, मतलब ये बात आप लोग बताएंगे, क्या कॉलेज के सिलेबस ने, हाँ, आपको कभी परेशान किया है? कॉलेज में कोई और हो सकता है जो आपको परेशान करता हो, ठीक है ना, हाँ, बट सिलेबस में ने कभी आपको परेशान नहीं करा है। इज इट क्लियर? कोई और होगा जिसकी वजह से आप परेशान होंगे, बट सिलेबस की वजह से आप परेशान नहीं होते हैं कॉलेज में। इन कॉलेज ओनली 5 सब्जेक्ट्स, वेरी गुड। अगर आपने बैंक पीओ का तैयारी शुरू किया होता, मैं नहीं चाहता आपने किया होता, ऐसी बात कर रहे हैं हम, हाँ। अगर आपने किसी और एग्जाम का तैयारी किया होता तो आप इतने परेशान नहीं होते, पता है आपको। अगर आपने बैंक पीओ को तैयारी कर लिया होता, फिर एसएससी की तैयारी कर ली होती, किसी और एग्जाम का भी तैयारी कर लिया होता, मतलब इतना हायर लेवल ऑफ स्ट्रेस लेवल नहीं डेवलप होता उन एग्जाम्स में। हाँ, मतलब सीएपीएफ का भी कर लेंगे तो इतना नहीं, आपको स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ेगा आपका। जेआरएफ करेंगे, नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं हिंदुस्तान में, 95% ऐसे एग्जाम्स हैं यार जो स्ट्रेस को नहीं बढ़ाते हैं। दे विल नॉट बी इंक्रीजिंग योर स्ट्रेस लेवल। आपका स्ट्रेस लेवल, आपका एंग्जाइटी नहीं बढ़ाएंगे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं, ठीक है, बट 5% एग्जाम्स हमारे पास ऐसे हैं, जैसे स्टेट सिविल सर्विसेज का हो गया, यूपीएससी का हो गया, आईआईटी का हो गया, नीट का हो गया, ये कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं, मतलब
जो आपका स्ट्रेस लेवल एंजाइटी लेवल बढ़ा देते हैं। कैट हो गया, तो ऐसे एग्जाम्स में आपका स्ट्रेस लेवल टेंशन लेवल बढ़ जाता है। गेट भी हो गया, ठीक है ना जी। जो बड़े एग्जाम्स है उनमें थोड़ा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। अभी मैं आपको और बताऊंगा, हम ना एक ट्रायंगल से ड्रॉ करेंगे ये वाला, देखो। ला 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 ला। देखो भाई साहब, सबसे ऊपर तो यूपीएससी का पेपर ही आता है, यूपीएससी, ठीक है ना, सिविल सर्विसेज, यूपीएससी सिविल सर्विसेज सबसे ऊपर आता है। बाद में कुछ पेपर आसान भी हैं, लाइक सीए का हो गया, हाँ ये भी स्ट्रेस लेवल देगा आपको, सीए हो गया, सीएस हो गया, जेई हो गया, नीट हो गया, ठीक है। तो ये वाले पेपर भी आते हैं, बट यूपीएससी का ज्यादा टफ पता क्यों है, वाई? सबसे पहली चीज जो यूपीएससी को टफ बना देती है, दैट इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ सब्जेक्ट्स। कि भैया इतना कुछ है यार, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमी भी पढ़ना है, ठीक है, पॉलिटी भी पढ़ना है, ठीक है ना, साइंस एंड टेक भी पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ना है, कोवेटेड एग्जाम का चक्कर नहीं है, फिर यार करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, एथिक्स भी पढ़ना है, इन्वायरमेंट भी पढ़ना है, इंटरनल सिक्योरिटी भी पढ़नी है, एग्रीकल्चर भी पढ़ना है, ठीक है, यार ऑप्शनल भी पढ़ना है, हाँ। और इतना कुछ है, अब इतना कुछ हो गया है सब्जेक्ट्स, आप इतने सारे सब्जेक्ट्स हो गए हैं, तो स्टूडेंट्स एक्चुअली क्या कर पाता है, प्लान नहीं बना पाता। हाँ, सीसेट भी हो गया है, एंड देन पेपर भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम चीजों को प्लान नहीं कर पाते, पता है आपको। हमारी लाइफ में जिन चीजों को हम प्लान कर पाते हैं, वो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, पता है आपको। हम जिस चीज के लिए प्लान कर लिया ना, जिसके लिए हमने प्लान बना लिया, मींस वो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। आधा प्रॉब्लम तो भाई साहब ऐसे ही खत्म हो जाता है अगर आपने प्लान बना लिया किसी चीज का। क्या आप यूपीएससी का पूरा प्लान बना पाते हैं, मतलब कि यार ए से लेके जेड तक मंजिल आपको पूरी दिखती है, मंजिल आपको दिखती है पूरी? ये बहुत प्रॉब्लमेटिक एरिया है, हो पाता है, हाँ उसके ऊपर भी बात करेंगे। अभी यूपीएससी का सबसे बड़ा चक्कर ये है कि मंजिल बहुत लंबा है, और मतलब रास्ता बहुत लंबा है, और रास्ते का एंड नजर नहीं आ पाता है, ठीक है ना। कैसे कैसे सिलेबस को कवर करें, बहुत बार डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताइए, कितने लोगों को घर के काम रहते हैं, घर के काम कितने लोगों को रहते हैं, धनिया लाओ, पुदीना लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ठीक है। कितने लोगों को ऐसा काम भी, घर का काम कितने लोगों को रहता है, वेरी गुड, हाँ, मतलब ऐसा काम रहता है कि दो तीन दिन गुजर गए हैं आपके घर के काम में और फ्लो टूट गया है। बताओ मुझे कितने लोग कहते हैं यार कि यार फ्लो टूट गया, घर का काम रहता है, कभी कभी रहता है, हाँ उसके चक्कर में मेरा फ्लो टूट गया। ऐसे कितने लोग हैं जिनका फ्लो टूट जाता है, मतलब इस तरह के एफ, जस्ट टाइप फ्लो, एफ एफ, हाँ आज ही टूटा, वेरी गुड। फ्लो कितने लोगों का टूट जाता है, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं टूटता तो कोई इशू नहीं है यार, जरूरी नहीं है कि सब लोग बताएंगे, हाँ, क्योंकि हम बहुत ग्राउंड लेवल के ऊपर बातें कर रहे हैं, बहुत रियलिटी वाली बातें कर रहे हैं। फ्लो कैसे टूटा है, एफ कैसे टूटा है, हाँ, बहुत सारे कारण है जैसे फ्लो टूट जाता है। फ्लो टूटने के बहुत सारे कारण है यार, ढंग से पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई पढ़ाई हो नहीं पा रही अब, ठीक है, मतलब दो तीन दिन तो बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ लिया, ठीक है, ठीक है ना, दो तीन दिन तो पढ़ लिया बट बाद में नहीं पढ़ाई हो रहा है, ऐसा बहुत सारा लोग है ना, दो दिन पढ़ लिया, क्यों नहीं पढ़ा जा रहा भाई? गर्लफ्रेंड की कॉल आना, उसमें फ्लो टूट जाना, हाँ वेरी गुड, गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया है, ठीक है ना, हाँ, बॉयफ्रेंड का कॉल आ गया है, गर्लफ्रेंड की कॉल नहीं आई है, बॉयफ्रेंड का कॉल नहीं आया है, गर्लफ्रेंड ने मैसेज में क्या लिख दिया है, बॉयफ्रेंड ने मैसेज में क्या लिख दिया, ये सारा वाहियात सिस्टम, ठीक है ना, ये सारा फ्लो तोड़ देता है, आराम से आदमी पढ़ रहा होता है,
ठीक है, भावनाओं में बह जाता है। फिर फ्लो टूटने का और बहुत बड़ा कारण है यार, कॉलेज के एग्जाम आ गए हैं, ठीक है ना। हाँ मतलब कॉलेज का पेपर आ गया बीच में, पता ही नहीं लग रहा यार कॉलेज के पेपर का तैयारी करें। ठीक है, हाँ कॉलेज का नहीं पता चल रहा, फ्लो टूट रहा है स्ट्रेस की वजह से। ये बताओ मुझे, स्ट्रेस की वजह से फ्लो टूट जाता है ना, स्ट्रेस की वजह से फ्लो टूट गया। हाँ कोई ना कोई घर पे बात हो गई, मतलब लड़ाई हो गया, रिलेटिव्स के बीच में झगड़ा हो गया, उसके कारण आपका फ्लो टूट गया। मैं सारे इश्यूज डिस्कस करूंगा ताकि आपको लगे कि यार ये क्लास आप ही के लिए है। मैं सारे कारण मतलब करूंगा। लड़ाई, कुछ लोगों को लड़ने का बहुत शौक होता है, लड़ाई लड़ लिया किसी के साथ, ठीक है ना। घर में थोड़ी सी भी हलचल हुई, पेरेंट्स ने हलचल कर दिया थोड़ा सा, पता नहीं तुम लोगों को कि मैं यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूं, ठीक है ना। फिर लड़ लेंगे, फिर लड़ाई के बाद में मम्मी पापा को बोल देंगे कुछ ना कुछ, ठीक है ना। फिर ये गिल्ट होता रहेगा कि क्यों बोल दिया मैंने, ठीक है ना। आधे घंटे के बाद गिल्ट स्टार्ट हो जाएगा कि यार मैंने क्यों बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, दिमाग ही हिल जाता है। सब लोगों का एक अलग अलग कारण है। फिर एक सबसे बड़ा कारण है यार नौकरी वालों का, जॉब। जॉब से बड़ा फ्लो टूट जाता है, बॉस फ्लो तोड़ देता है यार। ढंग से पढ़ रहे होते हैं 2-3 दिन, ओ माय गॉड, ठीक है फ्लो टूट गया, बॉस पढ़ने नहीं दे रहा है, क्या करें, रोज नौकरी पे जाना पड़ता है, ठीक है। मतलब ये सब चीजें, ये प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती है। हेल्थ इश्यूज आ गया किसी का, ठीक है ना। हेल्थ इश्यूज आ गया, कोई बीमार हो गया। कुछ लोग तो हर हफ्ते बीमार रहते हैं, स्ट्रेस पाल लेते हैं, टेंशन पाल लेते हैं, हेल्थ खराब हो जाती है। सो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। ये सारा अगर आपको मतलब लग रहा है कि आप इससे कोरिलेट कर रहे हैं तो जरा थम्स अप कर दीजिए सब लोग, अगर आप लोग कोरिलेट कर पा रहे हैं इस चीज से कि यार ये तो, हाँ वेरी नाइस। मतलब अब इससे कैसे बचे, ये बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि हम, आप लोग खुद से बात नहीं करते होंगे, यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मैं इसे बचू कैसे, हाउ शुड आई सेव माई सेल्फ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है ना। हाउ शुड आई सेव माई सेल्फ फ्रॉम दिस, मैं अपने आप को कैसे बचाऊं इस तरीके से। देखो एक बहुत बड़ा, हम जिंदगी में सहारा ढूंढते रहते हैं, ऐसा है कि नहीं है। हम पूरी जिंदगी जीते हैं, जिंदगी हमारी इसी कश्मकश में मतलब चली जाती है कि कोई सहारा मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, किसी तरह का भी सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए, इकोनॉमिक सपोर्ट मिल जाए, सोशल सपोर्ट मिल जाए, ठीक है ना। हाँ आई जस्ट वॉन्ट नॉट टू बी प्रोक्रेस्टिनेटर, वेरी गुड। हम हर बार सहारा मिल ढूंढते रहते हैं, पता है आपको, हमारी जिंदगी सहारों से कटती है। मेंटल सपोर्ट चाहिए होती है, कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हाँ आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, हाँ सिंगल रहना भी थोड़ा ट्रबलसम ही है सर, मैं बता रहा हूं, रुक जाओ प्रदीप जी। यूपीएससी में सबसे बड़ा सहारा पता क्या है, ठीक है ना, यूपीएससी का सबसे बड़ा सहारा, यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे बड़ा सहारा पता क्या है, दैट इज टेस्ट। ट्रस्ट मी, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कभी भी डीमोटिवेट फील होते ही नहीं है, पता है आपको। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स एंड दे रिमेन मोटिवेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज, हाँ और सबसे बड़ा कारण उन स्टूडेंट्स का क्या है, बहुत सारे हैं यार, उन्होंने टेस्ट टेस्ट का एक स्केड्यूल बना रखा होता है, एक पूरा टेस्ट का स्केड्यूल बना रखा होता है। दे हैव अ पर्टिकुलर गोल। आप लोग मुझे बताएंगे, आप लोग ऑब्जर्व, कभी कभी आपने अपने आप को ऑब्जर्व करा है यार कि जिस दिन मैं फ्री बैठा हूं मैं ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता हूं। हैव यू ऑब्जर्व योर सेल्फ, जिस दिन हम फ्री हैं, ठीक है, जिस दिन हम पूरे फ्री हैं, मतलब कोई काम नहीं कर रहे हैं, संडे के दिन या किसी और दिन, दो हाँ सोच सकते हैं सर। हाँ
सोच सोच के, हाँ सोच सोच के, यू विल कीप ऑन थिंकिंग, क्योंकि आदमी का यार दिमाग ऐसा है पता है आपको, हम सोचना पता कब शुरू करते हैं। मैं ना मतलब आई वॉज इन सेवंथ एट्थ क्लास, मैं सुबह उठते ना ब्रश कर रहा था एक बार, ब्रश तो मैं रोज ही करता था, मतलब अभी भी करता हूं और करता भी रहूंगा, डोंट जज मी। मैं ब्रश कर रहा था एंड मैंने मतलब अपने आप को देख, मैंने सोचा यार सुबह उठते ही दिमाग चलना शुरू हो जाता है बहुत, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑब्जर्वड इन माई सेल्फ इन नाइन्थ क्लास। मतलब नाइन्थ क्लास में मैंने अपने आप को ऑब्जर्व करा ये वाला कि यार दिमाग में ना थॉट आ ही जाते रहते हैं, मतलब चलते ही रहते हैं दिमाग, कभी दिमाग रुक ही नहीं रहा है, दिमाग चल ही रहा है सारा दिन, कभी ये सोच रहे हैं, कभी ये सोच रहे हैं, कभी ये सोच रहे हैं, ठीक है ना, बट इट इज कंटिन्यूअस है ना। मतलब जितना ज्यादा सोचेंगे ना उतना ज्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, ट्रस्ट मी, जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। इफ यू आर थिंकिंग मोर यू आर एक्चुअली वर्किंग लेस। मैं ये नहीं कहता सोचो मत, सोचो, बट इतना ज्यादा मत सोचो कि आपका दिमाग पागल हो जाए। हाँ इतना मत सोचो कि आपका दिमाग पागल हो जाए। आपको पता होना चाहिए कि मेरा इतने ज्यादा सोचने से मतलब मेरा दिमाग अब खराब होना शुरू हो गया है। यू शुड एक्चुअली नो दैट लेवल, हर आदमी में एक लेवल होता है पता है आपको, ठीक है बेटा। इतना इतना लंबा मैसेज कहां से पढ़ा जाएगा, सिर्फ ये पढ़ पाया कि आप मैरिड हैं, ठीक है ना। हाँ मुझे बहुत मतलब इस, बाद में आपका क्वेश्चन रिजोल्व करेंगे बेटा, वहां पे डाल दीजिए, वेस्ट बंगाल में है, हाँ वेस्ट बंगाल में है और अब मैरिड है, वहां पे वोट हो रही है, क्योंकि चाहती हूँ सैलरी तो 35,000 मिल रही है, वरना क्यों चाहती हूँ, और एक क्वेश्चन है मैं क्यों बनना चाहती हूँ, वो समझते ही नहीं सर, आई मैरिड, एक बेटी है 8 years की, आई एम 28, एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर, मेरी माँ की एक ही प्रॉब्लम है, मैं क्यों बनना चाहती हूँ, वो और बाकी सब बोल सकते। चलिए बाद में डिस्कस करेंगे, बड़ा मुद्दा है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इसके ऊपर बाद में चर्चा की जाएगा आपके साथ, एंड में आप क्वेश्चन में डाल दीजिए, आपका बाद में एड्रेस करूंगा बेटा मैं। क्या नाम क्या आपका? रिया, आप भी वेस्ट बंगाल से हैं, आप रॉय हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। क्या नाम है? मुमुक्षा गुप्ता, आई एम सॉरी, मुमुक्षा गुप्ता है आपका नाम। वी आर ऑल 28 साल, सब लोग 28 साल का ही है, यहाँ पे आज क्लास 28 साल वालों का ही रखा गया है स्पेशल, ठीक है। चलिए 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 चलिए, अरे नहीं नहीं, आप जवान है, आप जवान है, आप जवान, सब लोग जवान है, 20-21 का है, अरे रुक जाइए। तो सोच सोच के ना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है यार, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है, ठीक है ना, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है, एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाती है, और फ्यूचर बनाना है उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कहता सोचो मत, सोचो जरूर, प्लान करना जिंदगी में बहुत जरूरी है, ठीक है ना, कहते हैं जिसने प्लान नहीं करा तो जिंदगी उसको डी प्लान कर देती है, बुली करते हैं तो क्या करें, बताऊंगा बेटा, बुलिंग के ऊपर भी बात करेंगे, रुक जाओ, अभी अभी फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं कि टेस्ट सीरीज को किस टाइम पे ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है ना। एक तो ना फ्री मत बैठो, यूपीएससी की प्रिपरेशन में आदमी फ्री पता कब होता है, जब उसके पास गोल नहीं होता है, जब उसके पास गोल नहीं होता है। अब हाँ अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको भैया, सबसे आसान चीज यूपीएससी में पता क्या है, सबसे आसान चीज यूपीएससी की तैयारी में क्या है, सबसे आसान चीज, इजिएस्ट थिंग इन द प्रिपरेशन, सबसे आसान चीज यूपीएससी में क्या है, सबसे आसान चीज यूपीएससी में क्या है, कोचिंग करना, कोचिंग करना सबसे आसान है, क्लासेस ज्वाइन कर लेना ये सबसे आसान है, क्योंकि पैसा दे दिया, लाख रुपया दे दिया, 1,00,000 रुपया लगा दिया, ये सबसे आसान काम है बेटा, ये तो इन्वेस्टमेंट हुई अभी आपकी, ठीक है ना। हाँ ये तो अभी आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है प्रिपरेशन में कोचिंग की, इसका आउटपुट कितना निकलेगा यार, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अनअकैडमी के लेक्चर देखना तो सबसे आसान काम है, ये कितने लोग मानते हैं, थम्स अप कर दीजिए कि यार लेक्चर देखना बहुत आसान काम है,
कि लेक्चर तो सारी देखी जा रहे हैं, मतलब सब लोग ही लेक्चर देखी जा रहे हैं सुबह से लेके शाम तक। हाँ मतलब लेक्चर देखना कोई मुश्किल काम नहीं है, वीडियो चल रही है। कितने लोगों के मन में ये होता है कि यार कहीं ना कहीं इतने लेक्चर देखने भी सही नहीं है, कि यार का पढ़ तो रहा हूं मैं बट भीतर से पता है कि यार चीजें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूं। कभी कभी लगता है इस तरह का गिल्ट फील आता है, गिल्ट वाली फील आती है ये वाली। हाँ बेटा 90% लोग क्लासेस देखना सबसे आसान काम है। दूसरा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है ना क्लासेस के बाद में, दैट इज रीडिंग। भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रीड करना, रीड करना, सेल्फ स्टडी करना, यार ये दूसरा स्टेप है। हाँ अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप में से कितने लोगों ने ये सोचा है, इसके ऊपर बात करेंगे 2 मिनट, आप में से कितने लोगों ने ये सोचा है कि मैं पहले पूरी क्लासेस करूंगा फिर सेल्फ रीड करूंगा चीजों को, उसके बाद में मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूंगा। मतलब किसके दिमाग में ये है ही नहीं है, टेस्ट सीरीज इज नॉट ऑन द प्लेटर। मतलब कितने लोगों ने ऑनेस्टली ये सोचा है कि यार टेस्ट सीरीज बाद में देखेंगे। हाँ प्रतिभा जी उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है ना। हाँ वे यार जितना लोग तो ये सोचता है ना कि क्लासेस के बाद टेस्ट सीरीज करेंगे, बहुत बड़ा गैप देंगे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं मुमुक्षा जी उसके ऊपर हम आ जाएंगे, सॉरी आपका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिवीजन करनी पड़ेगी। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो क्लासेस के बीच में यार एक बहुत बड़ा गैप देने वाले, जब लोग टेस्ट देने जाते हैं ना बाद में, आप ये मान लीजिए आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, आपका कोचिंग करे का कोई भी फायदा नहीं है, कोचिंग का फायदा कोई नहीं है, क्लासेस करे का कोई भी फायदा नहीं है आपका, अगर आप डिलेड तरीके से टेस्ट देंगे। समझ गए आप, इट इज एक्चुअली ऑफ नो यूज, इट इज एक्चुअली लाइक वेस्टिंग योर टाइम, ट्रस्ट मी। अगर आपके प्रेपरेशन के मेन्यू में क्लासेस 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 क्लासेस, रीडिंग 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 है, पढ़ते रहो, क्लासेस करते रहो, टेस्ट देखेंगे कब देना है कब नहीं देना है, अगर आप इस तरह के स्टूडेंट हैं सिलेक्शन काफी दूर है। सिलेक्शन हाँ करने के बाद टेस्ट दूंगी बट सिलेबस बहुत वास्ट है, वो देख लीजिए काफी दूर है बेटा। यूपीएससी का सिलेबस कवर करना, ठीक है ना, इट इज जस्ट लाइक कि कोई मटका है, उस मटके में आप पानी डाल रहे हो और उस मटके में कुछ ना कुछ छेद हो रखे हैं, इज इट क्लियर। जितना पानी डालते जाओगे इस मटके में से वो सारा पानी निकलता जाएगा। किसी को लगता है कोई ऐसा दिन आएगा कि यार मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा? मतलब आप में से किसी को लग रहा है इस तरह का कि सिलेबस आप पूरा कंप्लीट कर पाएंगे? प्लीज टेल मी कि आप सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। वेरी गुड। हाँ सिलेबस कभी भी पूरा 100% कंप्लीट नहीं होता, ये चीज मान के चलिए। कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 100% आ जाएगा और उसके बाद में आप टेस्ट देना शुरू करेंगे? क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट है? नहीं है, नहीं है, नो नो नो, ना मुन्ना ना बेटा, इतना ना हो पाएगा। अब समझ लीजिए करना क्या चाहिए। हो यार जब पता है मेरे, कहते 60% सिलेबस भी अगर सही तरीके से हो जाए ना, इफ यू विल बिकम द मास्टर ऑफ 60% ऑफ द सिलेबस, ठीक है ना, अगर आप 60% सिलेबस के भी मास्टर बन जाएंगे अर्चना खेमानी झुनझुन वाला जी, तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? सिलेक्शन हो जाएगा अगर 60% सिलेबस। तो कहने का ये मतलब है क्लासेस करो, आप क्लासेस करो, रीड करो, साथ में ही टेस्ट दे दो। टेस्ट का पूरा प्लान बना होना चाहिए, पूरे साल का, पूरे ईयर का प्लान बना होना चाहिए टेस्ट देने का।
ठीक है ना, फिर आप सही तरीके से रिवाइज कर पाएंगे। इफ टेस्ट इज नॉट इन योर मेन्यू ऑफ प्रिपरेशन, आपके मेन्यू ऑफ प्रिपरेशन में अगर टेस्ट नाम की चीज नहीं है, अगर टेस्ट नाम की चीज नहीं है, ट्रस्ट मी, ना तो रिवीजन हो पाएगी, ना ही आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे, ना ही आप कंटेंट को क्रैम कर पाएंगे। इज इट क्लियर? टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक टेस्ट सीरीज नहीं करेंगे, आपका जो मतलब प्रेपरेशन का करने का तरीका है ना, मतलब वो सही तरह से चलेगा नहीं। आप मुझे ये बताओ, क्या जिम ज्वाइन करने से, ठीक है ना, जितने दिन जिम आप जिम की फी देते रहते हो, मुझे ऑनेस्टली बताइएगा, जितने दिन आपने जिम का फीस दिया होता है, क्या दिमाग में ये रहता है कि यार मैंने जाना है जिम? मतलब आप चाहे नहीं जा रहे हैं, क्या दिमाग में ये चीज रहती है कि यार हाँ जाना है, यार मैंने फीस दिया हुआ है, आई नीड टू गो, मैं जा नहीं रहा? एकदम से थोड़ा प्रेशर तो रहता है कि नहीं रहता है? प्रेशर रहता है कि नहीं रहता है? कुछ गलत नहीं खाते हैं, ऐसे लगता है यार जाना है? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी, हाँ, तो टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करें? आप में से कितने लोग बिगिनर्स हैं, प्लीज टाइप बी। आप में से कितने लोग बिगिनर्स हैं, जस्ट टाइप बी, दैट विल गिव मी सम आइडिया। मैं आपको बताऊंगा कब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। हाँ, वेरी नाइस। तो बहुत सारे लोग बिगिनर्स हैं। देखो, पहले कहते हैं ना, यूपीएससी में एक बहुत बड़ी चीज है, मतलब मैं ये चीज बोलता हूं, दिस इज व्हाट आई से, कि इफ यू विल बी एबल टू मास्टर वन सब्जेक्ट, अगर आप एक सब्जेक्ट को सही तरीके से मास्टर करना सीख गए ना, आप पूरा सिलेबस सही तरीके से मास्टर कर लेंगे। You just need to become a master of one subject. You need to become a master of one subject. वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, चाहे वो पॉलिटी है, चाहे वो ज्योग्राफी है, चाहे वो इकोनॉमी है, कोई भी सब्जेक्ट है। अगर आपको एक सब्जेक्ट मास्टर करना आ गया, अगर आपने एक सब्जेक्ट को सही तरीके से लॉक लगा दिया, मतलब 101% है कि आपको प्रेपरेशन करनी आ गई है। लोग रायता फैला देते हैं प्रेपरेशन का, ठीक है, कभी पॉलिटी पढ़ लिया, कभी ज्योग्राफी पढ़ लिया, कभी इकोनॉमी पढ़ लिया, कभी साइंस एंड टेक पढ़ लिया, कभी इसके लेक्चर देख लिया, कभी लेक्चर देखने से नहीं होगा यूपीएससी पास, ठीक है, लेक्चर देखने से नहीं होगा, आपको चीजों को लॉक करना पड़ेगा। मास्टर वन सब्जेक्ट का क्या मतलब है, आप क्लासेस देखिए, उसको रीड करिए, उसको रिवाइज करिए, उसी सब्जेक्ट का प्री का टेस्ट दीजिए, उसी सब्जेक्ट का मेंस का टेस्ट दीजिए। जब आप पहला सब्जेक्ट हैंडल करते हैं ना, उसको भाई साहब 60 दिन लग जाते हैं, 60-70 दिन। इट इज नॉट इजी टू लर्न हाउ टू हैंडल वन सब्जेक्ट। कहते किसी को एक सब्जेक्ट हैंडल करना आ गया, वो बहुत खतरनाक प्लेयर बन जाता है यूपीएससी का, मतलब चांसेस हैं कि बहुत जल्दी जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, कंपटीशन में बहुत आगे निकल जाएगा। तो कंपटीशन में आगे निकलने के लिए एक सब्जेक्ट को सही तरीके से हैंडल करना सीख लो, चाहे वो पॉलिटी है, चाहे वो ज्योग्राफी है, चाहे वो इकोनॉमी है, कोई भी सब्जेक्ट हो इनमें से, एक सब्जेक्ट को हैंडल कर लो, वही स्ट्रेटेजी सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर लगा दो बाद में, समझ गए? और पूरा सब्जेक्ट लॉक कैसे होगा, मैंने आपको साइकिल बता दिया प्रिपरेशन का। 99% स्टूडेंट्स ये साइकिल कंप्लीट नहीं करते हैं, वो क्लासेस करेंगे, रीडिंग नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, टेस्ट नहीं देंगे, इवेल्युएशन नहीं कराएंगे। ये पूरा प्रक्रिया है प्रिपरेशन का। दिस इज अ कंप्लीट, आप कह सकते हैं कंप्लीट कंप्लीट प्लान ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। Is it clear to all of you? ये यूपीएससी का ये तरीका है, एक को समझ लो, आप कभी भी डिमोटिवेट फील नहीं होंगे। जितने लोगों का प्रतिभा जी आएंगे उसके, आप इज देयर एनी पेड अथॉरिटी टू चेक अवर पेपर्स, बेटा उसके ऊपर आ जाएंगे, जैली जी बात करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टार्ट,
स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। कितने लोगों का आंसर राइटिंग करने का मन ही नहीं होता, ऑनेस्टली बताइएगा, कितने लोगों का मन ही नहीं होता आंसर राइटिंग करने का। वेरी गुड, वेरी गुड, मन नहीं होता है ना। हाँ, इसकी इसके ऊपर ना मैं अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, मूड स्विंग्स। यार ये बातें करनी बहुत जरूरी होती हैं, मूड स्विंग्स ऑफ अ स्टूडेंट, मूड स्विंग्स ऑफ अ स्टूडेंट। दो स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, एक का नाम मतलब ए है, एक का नाम बी है, ठीक है ना। दो स्टूडेंट्स हैं, मतलब ए, ए फॉर अमन, ठीक है ना, हाँ, बी, बी से भी कोई नाम बता दीजिए, बबलू। तो दो स्टूडेंट हैं, एक अमन है और एक बबलू है। अमन बहुत हैप्पी रहता है, डे वन ऑफ प्रेपरेशन, पहला दिन तैयारी का स्टार्ट किया, अनअकैडमी पे सब्सक्राइब किया, वेरी वेरी हैप्पी। 30 दिन के बाद वेरी वेरी हैप्पी, 60 डेज के बाद वेरी वेरी हैप्पी, 300 दिन वेरी वेरी हैप्पी। ये अमन एक ऐसा स्टूडेंट है जो पूरी प्रेपरेशन में खुश रहा, प्रेपरेशन कर रहा है और प्रेपरेशन में इतनी खुशी मिल रही है इसको, किसको, अमन खान को, ही रिमेन्स हैप्पी, ठीक है ना। अमन खान पूरा खुश रह रहा है प्रेपरेशन में। दूसरा कैंडिडेट क्या है आपके पास, दूसरा कैंडिडेट है बबलू। हाँ, अमन, अमन अच्छा लग रहा है आपको क्या, अमन अच्छा लग रहा है आपको, अमन का बताइए मुझे, कि पूरा प्रेपरेशन में खुश रहा है, ऐसे फुल प्रेपरेशन इज हैप्पी, मतलब स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, पूरा प्रेपरेशन है। हाँ, बबलू क्या है, बबलू ने पहले दिन प्रेपरेशन स्टार्ट किया, ठीक है ना, थोड़ा उदास हो गया कि प्लान चाहिए प्रॉपर, ठीक है ना, उदास हो गया, क्या कैसे करूंगा। हाँ, बुक रीड कर लिया, बुक रीडिंग के बाद में बहुत सारे सवाल आएंगे, कैसे नोट्स बनाऊं, उदास, स्ट्रेस, टेंशन, बाद में आंसर राइटिंग करना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, टेस्ट दिया, ठीक है ना, इज इट क्लियर। हाँ, अमन हैव डिप्रेशन, हाँ, बाद में टेस्ट दिया, टेस्ट में मार्क्स कम आया, स्ट्रेस बढ़ गया, समझ गए, स्ट्रेस आया, टेस्ट दिया, मतलब उससे परफॉर्मेंस बढ़ गया थोड़ा सा, हाँ, मार्क्स कम आया, बाद में दोबारा फिर रीड करा, फिर और जोर लगाया, रात रात भर जगा, ठीक है ना, रात जगी, नोट्स बनाए, ठीक है ना, किताबें ज्यादा पढ़ी, ये सारा कुछ करा, किसने, बबलू ने, आसिफ राजा। क्लैरिटी हो गया, मतलब जो स्टूडेंट सिलेक्ट होता है ना, ये आपको पहले ही बता दूं भैया, जो स्टूडेंट सिलेक्ट होता है स्ट्रेस के थ्रू गुजरता है कि नहीं गुजरता है, बता दो, क्या स्ट्रेस के थ्रू गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा भैया, स्ट्रेस के थ्रू गुजरेगा, टेंशन के थ्रू गुजरेगा, ठीक है ना, हाँ, एंग्जाइटी के थ्रू गुजरेगा, प्रेशर भी आएगा, ठीक है ना, प्रेशर भी आएगा, ठीक है ना, कई बारी लॉस्ट फील करेगा, ही विल बी फीलिंग लॉस्ट, ठीक है ना, हाँ, कंफ्यूज्ड फील करेगा, कई बारी अपने आप को क्वेश्चन करेगा, क्या कर रहा हूं, क्या अंदर एक लड़ाई लड़ रहा होगा, वॉर, जस्ट टेल मी, क्या जो कैंडिडेट सिलेक्ट होता है, ठीक है ना, क्या आप सब, क्या आप इन चीजों से गुजर रहे हैं, आप सब लोग इन चीजों से गुजर रहे हैं, स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, प्रेशर, फीलिंग लॉस्ट, कई बार क्वेश्चन करते हैं खुद को, यार क्या कर रहे हैं, क्या इन चीजों से गुजर रहे हैं आप, क्या आपके दिन में तनाव पैदा हो रहा है, अगर आपके दिन में तनाव पैदा हो रहा है, दिल में भी और दिन में भी, हाँ, कई बार रात को नींद नहीं आती है, मतलब समथिंग ऑफ दैट, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, करना है, करना तो है ही है, बट कैसे करेंगे, बेसिक ही खत्म नहीं हो रहा है, ये नहीं खत्म हो रहा है, आंसर राइटिंग नहीं खत्म हो रही है, क्या करें, ठीक है। मोस्ट मॉर्निंग्स आर डिस्टर्ब्ड, कितने लोगों के दिन सुबह सुबह मतलब खराब रहता है कि यार टाइम, ये सबका नॉर्मल है,
दिस इज ऑल नॉर्मल, ये सबको नॉर्मल है. अगर आप इन चीजों से गुजर रहे हैं, यू आर एक्चुअली ऑन द राइट पाथ, यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही रास्ते के ऊपर हैं. दीपाली मिश्रा जी वेलकम टू द क्लास. हाँ, आप यू आर ऑन राइट पाथ क्योंकि आप कुछ कर रहे हैं. जो कैंडिडेट मतलब खुश है ना पूरे प्रेपरेशन में, वो ग्रो नहीं कर रहा, ट्रस्ट मी. अगर सबको समझ आया तो थम्स अप कर दीजिए प्लीज. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. हाँ बेटा, टॉपर्स को ज्यादा होता है, टॉपर्स को ज्यादा होगा. जो टॉप करेगा वो बहुत सारी चीजों से गुजरा होगा. टॉपर बहुत सिंपल रहता है बट ये सारी चीजें करता है, ठीक है ना. हमारी आधी लड़ाई 50% ऑफ अवर वॉर जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सबसे बड़ी लड़ाई हम खुद से लड़ रहे हैं. क्योंकि हमारी बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं, हम ये कर लें, हम ये कर सकते थे, 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 ये कर सकते थे. जो आदमी सब चीजों के ऊपर काटा मार के तैयारी करता है ना, जो आदमी सब चीजों के ऊपर एक बड़ा क्रॉस लगा के तैयारी करता है, यार चाहिए ही नहीं, इच्छा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, चाहिए ही नहीं. मूवी देखने की कोई इच्छा नहीं है यार, नो. बाहर घूमने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, इच्छा है ही नहीं है यार, मतलब ठीक है. हाँ ये किसी दोस्त के साथ लंबी बातें करें यार, इच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं है. अगर आप इस तरह से मन को अपने कंट्रोल करेंगे, हाँ कुछ है ही नहीं है, डिमांड नहीं है, डिमांड ही कम हो गई है यार, डिमांड कम हो गई है, पीस में आ गए हैं, शांति में आ गए हैं. बेटा वो करना पड़ता है. अगर बड़ी चीजें चाहिए तो आपको बनना पड़ेगा. जिंदगी तो मजाक में भी निकल जाती है, मैं आपको बता देता हूं. हाँ जिनको सिलेक्शन चाहिए, हाँ कुछ भी मन नहीं है, किसी चीज में मन नहीं है, तो आप कर लेंगे. हाँ इच्छा होना चाहिए, मन हल्का भी तो करना है. बहुत बड़ी इच्छाएं मत पालिए जो आपको गिल्ट की फीलिंग दिलाती रहे. हाँ इच्छा सिलेक्शन की करिए, जो चीज आप चाहते हैं. मल्टीपल चीजों को मत पालिए, मल्टीपल शौक मत पालिए प्रिपरेशन में, ठीक है. इन सब चीजों से आपको एक ही चीज मुक्ति दिला सकती है, दैट इज टेस्ट. भैया जितने ज्यादा टेस्ट देंगे इन चीजों से, उतना कम डिस्ट्रैक्ट रहेंगे. कभी भी, हाँ कभी भी आपके फ्लो टूटेगा, उसको वो फ्लो भी आपका बन जाएगा. अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ है, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं तब भी, ठीक है ना. टेस्ट एक ऐसी चीज है जो आपका रास्ता बेसिकली मुक्ति का नाम है टेस्ट, ट्रस्ट मी. हर पूरा यार गोल होना चाहिए कि यार मंडे को भी टेस्ट देना है, ट्यूसडे को भी देना है, वेडनेसडे को भी देना है, थर्सडे को. आप में से कितने लोग रियली आईएएस बनना चाहते हैं बताओ मुझे, आप में से कितने लोग रियली आईएएस बनना चाहते हैं, जस्ट टेल मी. रियली बनना चाहते हैं, मतलब है जहन पक्का बनना ही बनना यार आईएएस. हाँ मी, हाँ सर बेटा वो उसके ऊपर आएंगे राहुल वर्मा जी, यार सब चीजों के ऊपर बात करूंगा मैं. मतलब टेस्ट दिलाने का मन तो बना दूं आप लोगों का, जैसे टेस्ट ही नहीं दोगे आप, सिर्फ ये कह के चला जाऊंगी टेस्ट देने जरूरी है तो आप देंगे नहीं. बात कहते चंद अल्फाजों में भी कही जाती है बट वो जहां पहुंचानी होती है वहां पहुंच नहीं पाती है, ठीक है. तो अल्फाजों को थोड़ा भारी करना पड़ता है, थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, थोड़ा घुमाना पड़ता है. फिर जहां पे चीज मतलब हिट करनी चाहिए वहां पे हिट कर जाती है, तो आदमी फिर उसमें से काफी चीजें अपने आप को बदल लेता है. चलिए तो इन सेशंस का मतलब ये नहीं होता कि यार टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, पता है आप सब लोगों को. हाँ चलिए कम ना रह जाए, हाँ लफ्ज कहीं कम ना रह जाए तो वो पूरा बोलना भी बहुत ज्यादा जरूरी. चलिए आई थिंक आगे चलेंगे. अभी हम लॉस्ट वर्ल्ड ज्वाइंड, वेलकम टू द क्लास लॉस्ट वर्ल्ड जी. शायद आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए.
नाउ आई विल बी अपलोडिंग द पीडीएफ, टेस्ट में हो ही नहीं आते, फिर दिल टूट जाता है। बेटा दिल टूटना प्रिपरेशन का बहुत जरूरी एक अहम हिस्सा है। अगर दिल टूट नहीं रहा आपका तो आपकी तैयारी भी स्ट्रीमलाइन नहीं है। आपको लगता है कि किसी टॉपर के मतलब यार नंबर ज्यादा आएंगे, क्यों आएंगे नंबर ज्यादा यार टेस्ट में? आप डेवलपमेंट के फेज में है, आप डेवलपमेंट के फेज में है, आप टेस्ट में क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके ज्यादा मार्क्स आए? Why are you expecting high marks in test? ये तो आपको करना नहीं चाहिए, मतलब जोर लगाना चाहिए। अगर कम आते हैं तो इट्स ओके। हाँ, अब अकेले रहने का दिल करता है ज्यादा, मतलब प्रिपरेशन आपकी स्ट्रीमलाइन है। अगर अकेले रहने का मन बन गया है ना आपका पूरा पूरा, अगर अकेले रहने का मन बन गया है पूरा पूरा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, ठीक है, हाँ, फिर वो आपको पक्का आएगा ही आएगा। ये उन स्टूडेंट्स को बताया मैंने कि जिनका टेस्ट में मार्क्स ज्यादा नहीं आता है, कि भैया ये यार ये देखो एक चीज पहली बता देता हूं, मैं मेंस के टेस्ट लेता हूँ, स्टूडेंट्स मेरे से इवेल्युएशन करवाने आते हैं, मैं 12.5 में से कितने नंबर दे दूंगा आपको? आप क्या 9 एक्सपेक्ट करके आओगे? यार मैं 4 से क्रॉस नहीं करता, 7 तो बहुत दूर की बात है, 4, 4.5, ठीक है ना भैया? जो आपका कोच है ना वो आपको बहुत मार्क्स कभी नहीं देगा। अगर कोच ने ही बोल दिया कि ये बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है, अगर कोच ने ही बोल दिया बहुत अच्छा लिखा है, तो आप लिखना बंद कर देंगे। ट्रस्ट मी, आप उलझनों से निकलना चाहते हैं, बट जितना ज्यादा उलझनों में ज्यादा उलझेंगे उतना ज्यादा सक्सेस जल्दी पालेंगे आप, जितना ज्यादा उलझेंगे उलझनों में। और उलझने का मतलब यही है कि ज्यादा प्रिपरेशन करना। हाँ, मैं कभी भी मार्क्स नहीं देता बहुत ज्यादा, और कभी मार्क्स देने भी नहीं चाहिए, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं जरा पीडीएफ अपलोड कर लूं, उसके बाद में हम चीजों को डिस्कस करेंगे। अभी कितने कितने टेस्ट देने चाहिए? आपने अभी आप सब लोगों ने ये बताया था कि आप लोग सब लोग आईएएस बनना चाहते हैं एंड रियली बनना चाहते हैं। अब तीन चीजें हैं हमारे पास, वी गॉट थ्री थिंग्स। एक तो हमारे पास है प्री के टेस्ट, अब बात करेंगे हम 25-30 मिनट इसके ऊपर बात करेंगे। एक तो हमारे पास है प्री के टेस्ट, एक हमारे पास है मेंस के टेस्ट, ठीक है ना। एक हमारे पास है मेंस मतलब ऑप्शनल के, मेंस में जीएस एंड ऑप्शनल, ठीक है। तीन तरह के टेस्ट देने हैं आपने। मेंस से डर लगता है सर बहुत, रुक जाओ बेटा, कुछ डरने वाला बात नहीं है। अभी अभी ये चीज देखो यार कि टेस्ट देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेस्ट देने से पहले आपको पता है यार कि मैं कितने के टेस्ट दूं कि मेरी सिलेक्शन हो जाए। पहले मैं वो नंबर लिख रहा हूं यहां पे, हम थोड़ा इजी कर दें चीजों को, सीधा सीधा कर दें, गोल गोल बातें ना करें, कि कितने टेस्ट दे लें कि जिससे पता लगे यार सिलेक्शन हो जाए। इतने के टेस्ट दे दें, सिंसेरिटी वाले टेस्ट, ठीक है ना। टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि जाके बस बैठ जाओ और आपका रिजल्ट कोई नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। साक्षी नवनीत नवल, वेलकम टू द क्लास। टेस्ट का मतलब ये नहीं है, हाँ, बनियापन चाहिए टेस्ट में, बिल्कुल। प्री में कम से कम प्री के 25 टेस्ट दो, 20 से 25, इतने बहुत हैं। इससे ज्यादा टेस्ट देने का कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारा लोग मतलब 40-40 टेस्ट देता रहता है। अरे पढ़ना भी तो होता है, एक टेस्ट आपके 4 घंटे खा जाता है, एक टेस्ट आपके 4 से 5 घंटे खा जाएगा। अगर आपने 60 टेस्ट दे दिए तो आप ये मानो आपका एक महीना तो टेस्ट में उड़ गया भाई साहब, प्री के टेस्ट में। तो टाइम इतना होता नहीं है, ये बात सबको समझ आ रही है? अगर एक टेस्ट देंगे 4 से 5 घंटे लगेंगे, पहले तो उसके वो मार्क करेंगे, फिर उसके सॉल्यूशंस देखेंगे, ठीक है ना। प्री का टेस्ट, ए वन टेस्ट विल कंज्यूम हाउ मच ऑफ टाइम? 5 आवर्स, ठीक है ना। 2021 का पेपर देने हैं तो 20-25 टेस्ट दे दीजिए, उससे ज्यादा टेस्ट मत दीजिएगा। 20 से ऊपर देने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको यह लगता है कि प्री के टेस्ट से क्वेश्चंस आ जाएंगे,
ठीक है ना, नहीं आएंगे। टेस्ट देने का सिर्फ यही पर्पस है कि आपको आपका सिंसेरिटी लेवल बढ़ाना, ठीक है ना, आपको सिंसियर बना के रखना। दैट इज द ओनली पर्पस। इज इट क्लियर? यही पर्पस है। 22 वालों को भी बेटा प्री के इतने की टेस्ट देने चाहिए, 20 25 30 लगा लो यार, उससे ज्यादा क्या ही टेस्ट दोगे आप। अब मेंस के कम से कम आपको जीएस के 15 टेस्ट देने चाहिए और ऑप्शनल के भी आपको 15 टेस्ट देने चाहिए। तो टोटल मिला के अगर कहानी देखें, अगर हम सारी पूरी यूपीएससी की, अगर आपने शिद्दत से 50 टेस्ट दे दिए, 50 टेस्ट अगर आपने दे दिए, ठीक है ना, नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन कैन स्टॉप यू। मुझे खुद टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते कम से कम 10 साल हो गए हैं। इट्स बीन लाइक 10 इयर्स आई बीन कंडक्टिंग द टेस्ट सीरीज। स्टूडेंट्स आते हैं टेस्ट देने के लिए, ठीक है, इन 10 सालों में कितने स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया मेरे पास और सारे टेस्ट दे दिए, मतलब 100% टेस्ट दे दिए, हाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिला के। जीएस के ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने मतलब कि पूरे टेस्ट कंप्लीट कर लिए, 100% टेस्ट दे दिया। अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट ज्वाइन करता है टेस्ट सीरीज, उसमें एक ही स्टूडेंट है जो सारे टेस्ट कंप्लीट देता है। इज इट क्लियर? बेटा वो टेस्ट सीरीज का बात कर रहा हूं, 15 टेस्ट, एक ही टेस्ट है। बहुत सारे लोग हैं, अरे कितने लोग ऐसे हैं जो फीस डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद में एक टेस्ट दिया या दो टेस्ट दिया, बाद में कोई टेस्ट नहीं दिया, नो टेस्ट। बहुत सारा लोग ऐसा है जो फीस डिपॉजिट करेगा बट टेस्ट नहीं देगा, हाँ फी फॉर टेस्ट, गिव अप कर देते हैं। सिर्फ फीस देना इज नॉट द पर्पस, द पर्पस इज टू टेक द टेस्ट। अब आपको कंपटीशन का पता लग गया है सारा कि कितने लोग टेस्ट देते हैं, कितने लोग नहीं टेस्ट देते हैं। अगर मैं टेस्ट दे दूंगा तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। बेटा इतने ही है, 50 टेस्ट ही है, 50 टेस्ट ही आपको मतलब निर्वाणा दे देंगे, 50 टेस्ट अगर आप ढंग से देंगे तो। समझ गए आप लोग? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टेस्ट जरूर दीजिए। जब आप प्री पढ़ रहे हैं प्री के टेस्ट जरूर दीजिए, जब आप मेंस पढ़ रहे हैं मेंस के टेस्ट जरूर दीजिए। कितने लोगों को ये लगता है कि मैं पढ़ तो रहा हूं बट मैं सिंसियर तरीके से नहीं पढ़ रहा हूं? 101% पार्था सारथी बिस्वाल जी, कितने लोग ऑनेस्टली बताइए यहाँ पे, क्योंकि ये सवाल आपको कोई नहीं पूछने वाला। आप अपने अपने आप से भी बात नहीं करते होंगे इस चीज के बारे में, मैं आपसे पूछ रहा हूं तो मतलब आप बता देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कितने लोगों को लग रहा है यार मैं पढ़ तो रहा हूं बट वो जोर नहीं लग रहा है? चंदन गुप्ता जी, आपसे पढ़ के लगा कि पढ़ा सही डायरेक्शन में नहीं कर रहा था। हाँ चलिए, चेस बोर्ड सुभाष शर्मा, ऐसे लोगों को हाँ अगर आपको ये लग रहा है ना तो कहीं ना कमी आपकी प्रेपरेशन में, ये कमी टेस्ट सीरीज पूरी कर देगा। एक मेंस का टेस्ट देके देखिए, एक मेंस का टेस्ट देके देखिए, आपको लगेगा यू आर ऑन राइट पाथ। रेडबुल पिया कभी किसी ने? रेडबुल पिया कभी किसी ने? हैव यू एवर टेकन रेडबुल? हाँ, जितने लोगों ने रेडबुल पिया है एकदम से एनर्जी लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, पता है आपको, एनर्जी लेवल एकदम बढ़ जाएगा, नींद आ रही है एकदम से चली जाएगी, एकदम से एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। कुछ नहीं होता, प्रतिभा जी को नहीं हुआ, आपको नींद नहीं आ रही होगी आपने तब पिया था, अगर आपको नींद आ रही होती तो पिया होता तो पता लगता कि एकदम से उड़ गया, खत्म हो गया। कैफीन होता है हाई, हाई कैफीन होता है एनर्जी। ये एनर्जी लेवल बढ़ाने का काम कौन करेगा? ये एनर्जी लेवल बढ़ाने का काम कौन करेगा? आपका टेस्ट। यू विल फील गुड।
ट्रस्ट मी, एक टेस्ट देने से आपका मोटिवेशन लेवल हाई हो जाता है, आपको लगता है कि दैट यू शुड कीप ऑन टेकिंग टेस्ट्स, आपको सिलेक्शन पास आती है, आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है। ट्रस्ट मी, 10 टेस्ट देने के बाद आप चीजों को इतने सही ढंग से पढ़ते हैं ना, इतने सही ढंग से चीजों को अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है ना, अब्सॉर्प्शन लेवल इतना सही हो जाता है, रीडिंग स्किल इतना बढ़िया हो जाता है, ठीक है ना। मेंस का टेस्ट सिलेबस सब्जेक्ट लॉक करने के बाद दे बेटा, एक सब्जेक्ट जो कर लिया है उसको पढ़ लो, 4 दिन 5 दिन रिवाइज कर लो, टेस्ट दे दो। टेस्ट देने का सबसे इंपॉर्टेंट गोल क्या रहता है कि आपकी रीडिंग जो है ना वो बेटर होती जाए। पहले दिन जो आप रीडिंग करते हैं, ठीक है ना, पहले दिन जो आप रीडिंग करते हैं और जो यूपीएससी का डिमांड है, और जो यूपीएससी का डिमांड है और जो आप रीडिंग करते हैं, इसके बीच में गैप पता कितने परसेंट का होता है? पहले दिन 90% का, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि क्या पढ़े, ठीक है ना। फिर आप महीना 2 महीने पढ़ते हैं, आपको चीजों का पता लगता है, ठीक है ना। 30 दिन के बाद जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं और जो यूपीएससी की डिमांड है उसके बीच में गैप कितना रहता है? 50-60% का। ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, आपको भी पता लगता होगा कि यार मैं पहले ऐसे पढ़ता था, यूपीएससी की तो रिक्वायरमेंट ही अलग थी, ठीक है ना। जब आप टेस्ट दे देते हैं, ठीक है ना, जब आप टेस्ट देते हैं आपको पता लगता है कि भैया जो यूपीएससी का रिक्वायरमेंट है और जो आप टेस्ट देते हैं वो बिल्कुल आसपास आ जाता है, उसमें गैप 10-15-20-30% का रह जाता है। रूबरू हो जाते हैं आप रिक्वायरमेंट से, रूबरू हो जाते हैं कि ये वाली रिक्वायरमेंट है यूपीएससी का। बेटा वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। सर ऐसे लगता है सब्जेक्ट तो कंप्लीट हुआ नहीं, टेस्ट में लिखेंगे क्या प्लीज? वेरी गुड। ये कितने लोगों को लगता है कि यार सब्जेक्ट तो कंप्लीट हुआ नहीं, टेस्ट कैसे कब देंगे? सब्जेक्ट तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, टेस्ट कब देंगे? कितने लोगों को लगता है? मुझे लगता है बेटा इनकम्प्लीट हुए का टेस्ट दीजिए। इतनी ज्यादा बारिश हो गई किसकी? शर्म की, चारों तरफ शर्म ही शर्म हो जाएगी, समझ गए? शर्म की बारिश हो जाएगी बहुत ज्यादा, गिल्ट की बारिश हो जाएगी चारों तरफ सुना महसूस होगा। दीजिए, जल्दी दीजिए, शर्म में डूब जाएंगे, अपने ऊपर ऐसा आएगा, घिन होगी खुद से कि यार क्या कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस उदास होंगे। उदास हुआ आदमी ही जान सकता है कि खुशी की क्या वैल्यू है, ठीक है ना। डूबता हुआ आदमी ही वैल्यू करता है किसकी? जमीन की। जमीन की कीमत तब पता चल रही होती जब आप डूब रहे होते हैं, ठीक है ना। फिर पता लगेगा कि यार जल्दी जल्दी सिलेबस करें, फिर पता लगेगा। हाँ, आप हमेशा टेस्ट दीजिए, फिर जल्दी जल्दी सिलेबस करेंगे आप, आपको पता है यार ये तो भयंकर गलती हो गया मुझे, जितना आता था वो भी नहीं लिख पाए। हाँ, आपको पता लगेगा कि यार रिवीजन की कितनी जरूरत है, क्रैमिंग करने की कितनी जरूरत है। देखो यार, मतलब शेर के सामने मतलब अगर चूहा आ गया और चूहे ने आंख बंद कर ली, बेटा शेर गायब नहीं हो जाएगा। शेर कैन बी हैप्पी फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, मे बी अ मिनट मोर, ठीक है ना। यू नीड टू फेस द रियलिटी, यू नीड टू फेस द रियलिटी। और चीजें यार आसान भी तो हैं, गलत रास्ते पे चलना कितने लोगों को पसंद है बताओ? कितने लोगों को गलत रास्ते पे चलना पसंद है? गाड़ी कोई गलत सड़क पे कितनी देर आप दौड़ाएंगे?
कितनी देर गलत रास्तों पे चलना पसंद है, कितनी देर तक गलत मंजिल की ओर चलते जाएंगे। वो किसी को पसंद नहीं है, ठीक है ना। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी ऑन द राइट ट्रैक, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी ऑन द राइट ट्रैक, यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। आप अपना टाइम वेस्ट कर देंगे बहुत सारा। यू ऑल ऑफ यू वॉन्ट टू बी ऑन राइट ट्रैक। कितने लोग चाहते हैं कि मैं सही तरीके से रीड करूं, मैं सही तरीके से रीड करूं। कितने लोग चाहते हैं कि मैं सही तरीके से चीजों को इम्बाइब करूं। कितने लोग चाहते हैं कि मैं सही तरीके से आंसर लिखूं। भाई साहब टेस्ट जरूर देते जाइए, टेस्ट की बहुत जरूरत है। विदाउट टेस्ट चीजें नहीं होंगी, विदाउट टेस्ट चीजें नहीं होंगी। अब पहली चीज बता देता हूं, जब आप टेस्ट देते हैं ना, क्या टीचर का इवेल्युएट करना जरूरी है? बहुत। टीचर का इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है, बार बार टीचर से इवेल्युएट करवाना जरूरी है? आंसर इज नो। हाँ, एक आधी बार आप करवा लो उसे, टीचर से इवेल्युएट करवा लो, बीच बीच में इवेल्युएट करवाते जाओ। हर आंसर इवेल्युएट कराना जरूरी नहीं है, आप प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। टेस्ट में सबसे पहली चीज जो होती है, दैट इज सेल्फ इवेल्युएशन। टेस्ट इज योर ओन परफॉर्मेंस अप्रेजल, आपकी खुद की परफॉर्मेंस आप जज कर रहे हैं टेस्ट से, ठीक है ना। ये चीज है टेस्ट, ये है टेस्ट का मेन गोल। कैसे करें मेंस की टेस्ट इवेल्युएशन? बेटा दुनिया भर के आंसर्स पढ़े हैं, गूगल करो, दुनिया भर के आंसर्स पढ़े हैं, गूगल कर लो, ठीक है। आंसर राइटिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो, आंसर राइटिंग क्लासेस अनअकैडमी पे मैंने बहुत सारी आंसर राइटिंग क्लासेस कराई हैं, 100 से ऊपर आंसर राइटिंग क्लासेस करा दी मैंने जीएस में, ठीक है। 100+ हाँ, 2021 वालों को मेंस का टेस्ट देना चाहिए या प्री के बाद? अब तो प्री के बाद, अब सीजन नहीं है टेस्ट सीरीज का, अब केवल प्री के टेस्ट 2-4 देने का सीजन है। सीजन पता टेस्ट सीरीज का कब किन का है? 2022 वालों का सीजन शुरू हो चुका है। 2022 वाले प्री के टेस्ट भी दें, 2022 वाले मेंस के टेस्ट भी दें, ठीक है बेटा। आ जाएगा, अनअकैडमी को मेल करिए तो वो पता लगेगा आपको। सर प्रीलिम्स का टेस्ट का एनालिसिस भी करना होगा क्या? कोई जरूरत नहीं होती, प्रीलिम्स में पता लग जाता है यार मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है इस क्वेश्चन का, मेरी पॉलिटी वीक है, मेरी ज्योग्राफी वीक है, मेरी हिस्ट्री वीक है। हाँ, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप में से कितने लोग हैं जो अनअकैडमी को सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं? प्लीज टाइप एस। आप में से कितने लोग हैं जो सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं? शांतनु गौतम, जो लेने वाले हैं शान, मेरा रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से जो लेने वाले हैं, हाँ फॉर जीएस लेने वाले हैं, प्लीज डू यूज द कोड जी राजपूत, ये कोड है, ये जरूर यूज कर लीजिएगा। पुष्पलता साहू, ठीक है ना। मुझे व्हाट्सएप पे आप हेलो भेज दीजिए, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, जस्ट सेंड हेलो एंड माई टीम विल ऑल्सो गेट इन टच विद यू, ठीक है ना। जरा व्हाट्सएप ये नंबर सेव कर लीजिए एंड ऊपर टेलीग्राम का ग्रुप है, हेलो भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, सो माय टीम विल गेट इन टच विद यू। मेरा नंबर लिखो ब्रो। हाँ बेटा बता दीजिए आप, बेटा व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है, आप व्हाट्सएप हेलो कर दीजिएगा, वो आ जाएगा, लिखने का जरूरत नहीं है नंबर, ठीक है। 20 टेस्ट देंगे, हाँ उतने के लिए उतना टेस्ट देना जरूरी है। किसी की अब कोई भी डाउट से नेक्स्ट 15-20 मिनट्स हम डाउट्स क्लियर करेंगे। हेलो नहीं, पुराने वाले नहीं, जिन लोगों ने लेना है सब्सक्रिप्शन, जो लेने वाले हैं दे कैन व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हेलो बोल दीजिए, आप व्हाट्सएप पे हेलो बोल दीजिए। जितने लोग सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं, माई टीम दे विल गेट इन टच विद यू, नंबर मैंने ऑलरेडी शेयर कर, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया? प्लीज टाइप जे।
ओके ओके खालिदा जी, कितने लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया है। मिस्टर नंबर वन परफेक्ट, वेरी गुड। मुमक्षा जी ने कर लिया, वाजिद मोहम्मद ने कर लिया, तीन बहुत सारे कम लोगों ने करा है। यू प्लीज हेल्प मी हाउ टू डिलीट माय अकाउंट परमानेंटली फ्रॉम अन अकेडमी डाटाबेस। योर नेम, ओह माय गॉड, ये कौन है? चलिए सब, कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें? विजन आईएएस का 35,000 का है बेटा। जिनको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, कुछ इंटरेस्टेड है, दे कैन गेट इन टच विद माय टीम। दिस इज द अनअकैडमी भी तो ऑफर कर रहा है ना। तो यू कैन गेट इन टच, अनअकैडमी इज आल्सो ऑफरिंग द टेस्ट सीरीज। कैसे ज्वाइन बेटा? ऊपर लिंक दे रखा, ऊपर वो बिल्कुल टॉप पे दिख रहा है लिंक। हाँ तो वो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए चलिए चलिए, काम नहीं कर रहा सर, डिमोरलाइज हो जाता हूं आफ्टर मे मार्क्स सर। बेटा रिवाइज करिए, आपको पता लग जाता है कि नहीं हो रहा है। अभी बता दीजिए, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज प्लीज, जितने लोगों को भी कुछ भी पूछना है आप यहां पे डालिए, मतलब अपना क्वेश्चन बॉक्स में डालिए, क्वेश्चन टैब में डालिए। बेटा 8:30-9 बजे कर लीजिएगा कॉल आप, आई विल बी फ्री एट दैट टाइम। जितने लोगों को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। प्रदन्या वेलकम टू द क्लास। रॉकी ननावत, ये एक सवाल आया है, इन्होंने पूछा 1:04 पे, 1 घंटा हो गया इनको पूछे हुए, लगभग 2 बजने वाले हैं। वुड यू प्लीज हेल्प मी टू हाउ टू डिलीट। आप क्यों अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं अनअकैडमी से, पहले तो ये बता दीजिए आप, फिर मैं आपको शायद कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड करा पाऊँ। सर आपने बोला था 250 क्वेश्चन सॉल्व, ओके वो मैंने बता दिया आपको। क्लासेस नहीं लेते, सिर्फ स्ट्रेटजी क्लासेस करवाते रहते हैं। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक अच्छा टीचर है, पब्लिक एंड पॉलिटी क्वेश्चन नहीं पढ़ाते, हर का स्ट्रेटजी अलग अलग है, समझिए। वेरी गुड, दैट्स रियली नाइस, ये किसी ने सवाल भेजा है। आप टॉपिक वाइज क्लासेस नहीं लेते, ठीक है, वेरी गुड। ये सवाल आया है, मैं समझ सकता हूँ ये सवाल किसने पूछा है, ये मैं आपके नाम के पीछे ही जान गया हूं आप कौन है, ठीक है। आप पबेड का एक अच्छा टीचर हैं, पबेड एंड पॉलिटी क्वेश्चन नहीं पढ़ाते, हर का स्ट्रेटेजी अलग है, समझिए। वेरी गुड बेटा, जब बच्चा स्टूडेंट नया आता है ना यूपीएससी में, बहुत सारी चीजें नहीं पता रहती उनको, तो उनको बताने के लिए स्ट्रेटजी बताना पड़ता है। मैं नहीं कहता कि एक ही स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, बट इसके आसपास होनी चाहिए चीजें, 70-80% चीजें आसपास होनी चाहिए, ठीक है ना। टॉपिक वाइज बेटा ये स्पेशल क्लासेस हैं, ये नहीं हम करेंगे, क्योंकि स्ट्रेटजी क्लासेस बहुत कम रहता है अनअकैडमी पे, तो आई वॉन्ट कि स्टूडेंट्स सही तरीके से स्ट्रीमलाइन कर लें चीजों को, ठीक है ना। मैं आशा करता हूं कि आप ठीक हैं, ठीक है ना? मैं समझ चुका हूं आप कौन है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मैं ये भी आशा करता हूं कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है, ठीक है। मैं ये भी आशा करता हूं कि आपकी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। चलिए आगे आगे आगे, सर 23 वाले कब से देना करें? बेटा अभी से कर दीजिए 23 वाले, इन अ डे। बेटा यार इन अ डे नहीं, अब मुझे ये बताओ 350 को अगर हम 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? बताओ मुझे। वेरी गुड भैया, हफ्ते में एक टेस्ट आता है, एक तो देनी चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यार दिन रख लो संडे का, संडे का, मंडे का, ट्यूसडे का। मैं कहता हूं यार 50 में से 45 टेस्ट भी दे दिए, सिलेक्शन पूरा श्योर है, सिलेक्शन की श्योरिटी है। लास्ट 2 अटेम्प्ट से ट्राई करा बट 10-12 मार्क्स से कम पड़ता। करण चंबुकश्वर, वेरी गुड बेटा। अब जिनका 10-15 नंबर से कम रह जाता है ना, प्री नहीं पास हो रहा है 10-15 नंबर से, आप अपना वीक एरिया आइडेंटिफाई करो कि आपका वीक एरिया कौन सा है। देखो अगर तो पॉलिटी की क्वेश्चन गलत हो जाते 3-4,
और ज्योग्राफी के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तीन चार, ठीक है, और इकोनॉमी के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तीन चार, और मॉडर्निस्टी के ज्यादा क्वेश्चन गलत कर देते हो, तो इससे तो बढ़िया चीज ही कुछ नहीं है। अगर आप इन सब्जेक्ट की क्वेश्चन गलत कर रहे हैं और आपका प्री नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इनकी रिवीजन मार दो बेटा चार चार पांच पांच बार, और अगली बार कोशिश करो कि पॉलिटी ज्योग्राफी ये सारे ना गलत हो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर टेलीग्राम पे बहुत सारा पेपर है टेस्ट का, वो भी दे दे। बिल्कुल दे दो बेटा, कोई इशू नहीं है, अगर आपको फ्री टेस्ट मिल रहा है तो आप दे दो। करण आइडेंटिफाई कर लो बेटा, पॉलिटी और अगर मॉडर्न हिस्ट्री में गलत हो रहे हैं ना क्वेश्चन, इनको आग लगा दो, पांच पांच छह छह बार पढ़ डालो। रुचि सैनी वेलकम टू द क्लास। पांच पांच छह छह बार पढ़ डालो, आग लगा दो, अगली बार क्वेश्चन भाई साहब गलत नहीं होना चाहिए इसमें से। कीप दिस थिंग इन माइंड, ये दिमाग में बिठा लीजिए ये वाली चीज। हाँ टॉपिक वाइज टेस्ट दो आप, टॉपिक वाइज टेस्ट दो, पॉलिटी के दे दो तीन चार टेस्ट, ज्योग्राफी के तीन चार टेस्ट दे दो, ठीक है ना, पता है कि 10-12 नंबर से रह रहा है। हाँ करंट अफेयर को ज्यादा पढ़ो, मल्टीपल सोर्सेज मत पढ़ो, ये गलती मत करो, ज्यादा एनसीईआरटी के पीछे मत पढ़ो, क्वेश्चन नहीं आते वहां पे। हाँ जी बिल्कुल हो जा होता। हाँ बहुत सारी बुकलेट्स भी तो मिलती है ना टेस्ट की, यार जरूरी नहीं है कि टेस्ट सीरीज ही जाके ज्वाइन करना है, बुकलेट्स भी तो है ना, जब बिगिनर हो तो बुकलेट के टेस्ट देते रहो, ठीक है ना, सिंसेरिटी लेवल होना चाहिए यार, वो चीज जरूरी है। रोहित राठौड़ वेलकम टू द क्लास। बेटा बुक्स भी तो आती है ना बहुत सारी एमसीक्यूज की, वो भी एक आधी स्टार्टिंग में वो भी कर सकते हो, उसे स्टार्ट कर सकते हैं आप। हाँ क्वेश्चन का लेवल इतना अच्छा नहीं रहता, बट स्टार्टिंग में इट इज अ गुड स्टार्ट, एनी स्टार्ट इज अ गुड स्टार्ट। यार कोशिश तो ये करो, जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ते पढ़ते बीच में कोई टेस्ट मिलते हैं आपको, दो तीन टेस्ट दे दो आप, 300 एमसीक्यूज कर लो, बाद में एक फुल लेंथ दो टेस्ट। यार यूपीएससी फ्री मटीरियल डॉट में जाके बहुत सारा कुछ मिल जाएगा आपको, वो पसंद है तो वो पढ़ लीजिए प्रदीप, कोई इशू नहीं है। मेंस का आंसर कहां से चेक कराएं, कोई मिलेगा ऐसा हु कैन चेक? बेटा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, जिस पे करेंगे ज्वाइन वो अपने आप चेक करके देगा, बताएगा ना। सकाश इनमें स्टार्टिंग और प्रिपरेशन आपसे पहले गाइडेंस मिल जाती, कोई बात नहीं, ठीक है ना, एनी गाइडेंस इज अ गुड गाइडेंस। ये देखिए इन्होंने बताया है कि आप टॉपिक वाइज क्लासेस नहीं लेते, सिर्फ स्ट्रेटेजी क्लास करवाते रहते हैं, आप पबैड का एक अच्छा टीचर है, पबैड एंड पॉलिटी क्वेश्चन नहीं पढ़ाते, नहीं पढ़ाते, हर का स्ट्रेटेजी अलग है, समझिए। चलिए इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? शांतनु जी मैसेज कर लीजिएगा बेटा, मैसेज कर लीजिएगा, गेट इन टच विद माय टीम। हाँ टेस्ट सीरीज का कुछ भी, दिस इज द नंबर, आज तो अवेलेबल नहीं है, कल भी अवेलेबल नहीं है, आज मेरी टीम संडे मना रही है, कल होली मनाएगी, ट्यूसडे को ये आपसे मिल पाएंगे, ठीक है। सर आई एम गोइंग टू टेक प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर जीएस ऑन अन अकेडमी, देर विल बी इनफ टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। पुष्पलता जी अन अकेडमी पे दो तरह का प्रोग्राम है, एक तो है प्लस वाला, एक है आइकॉनिक। जो टेस्ट सीरीज है वो आइकॉनिक में अवेलेबल है, प्लस में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कोड यूज कर लीजिएगा आप जी राजपूत, मैं एवेल्युएट कर दूंगा आपके टेस्ट, दिस इज व्हाट आई कैन से, ठीक है ना, बट कोड जरूर यूज कर लीजिएगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। अलका कुमारी जी वेलकम टू द क्लास। चलिए दिस इज ऑल फॉर द मोमेंट, दिस इज ऑल फॉर द मोमेंट। क्लास समझ आ गया तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए, आपको ये वाला क्लास आई होप आपको समझ आ गया होगा सब लोगों को। किसी को कोई भी डाउट है तो बता दीजिएगा, कल परसों भी बहुत सारी क्लासेस आने वाली है, 30-31 को भी क्लासेस है, दो चार क्लासेस है हमारा स्ट्रेटेजी क्लासेस। बेटा जो कॉलेज में है ना, तो ज्यादा फोकस ना कॉलेज की पढ़ाई पे मत करो,
वो अपने आप हो जाएंगे। अगर आप इतने कैपेबल बन जाओगे ना, मतलब यूपीएससी की तैयारी में, कॉलेज के पेपर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और यार इंडिया में ना, मैं आपको एक चीज बता दे, कॉलेज मैटर करता है, कॉलेज के भीतर जो परसेंटेज है ना वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है, अनटिल एंड अनलेस गैप बहुत ही बड़ा हो। 70 और 40 में तो बहुत बड़ा गैप है। अगर आपके 66% नंबर हैं, 67% नंबर हैं, 68% नंबर हैं, 69% नंबर हैं, इट मीन्स द सेम थिंग। इट माइट बी, ठीक है ना, इट माइट, यू माइट फील डिफरेंट है। हाँ, किसी का 71 है, किसी का 72 है, जय श्री राम आदित्य राजपूत जी, किसी का 73 है, किसी का 74 है, इट माइट फील डिफरेंट टू यू, ठीक है ना, बट फॉर मी, कोई भी आपका एम्प्लॉयर होगा, ठीक है ना, फॉर हिम इट इज गोइंग टू मीन द सेम थिंग, ठीक है। हाँ, जितना का लेवल है आपका, कोशिश करिए कि हाँ उसके आसपास इतना का नंबर आ जाए, ठीक है ना। ज्यादा फोकस आप यूपीएससी की प्रिपरेशन के ऊपर करें, डोंट फोकस ऑन दीज थिंग्स, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पुनीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, दिस इज ऑल फॉर द मोमेंट, दिस इज ऑल फॉर द मोमेंट। चलिए, बाय बाय, बाय बाय, बाय, टेक केयर। थैंक यू आदित्य जी। कोड जरूर यूज कर लीजिएगा जितने लोग भी है। कोड कौन कौन यूज करने वाला है, प्लीज टाइप सी कोड, कोड प्लीज, कोड जरूर यूज कर लीजिएगा। कोड इज जी राजपूत, मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको जरूर यूज कर लीजिएगा। शांतनु गौतम जी, प्लीज कर लीजिएगा इसको। आप कहाँ से हैं बेटा? मैं चंडीगढ़ से हूँ। बाय 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 बाय, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर। इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर।